लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल कहाँ छोड़ा था? हमने कल इसकी क्या करी थी, पी एन एन टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को कि कुछ इंसुलेटर्स होंगे, कुछ कंडक्टर्स होंगे और कुछ सेमी कंडक्टर्स होंगे। तो जो हमने पी और एन टाइप के हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी कि हमने क्या किया था, डोपिंग करी थी। डोपिंग यानी एक्सटर्नली उसमें हमारा जो एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर है, या तो हम टेम्परेचर के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कर दें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करें, हमारे एलिमेंट की डोपिंग कर दें किसी और एलिमेंट के साथ में। जब हम उसके लिए थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं यानी बोरॉन फैमिली को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक मतलब थ्री तो आपके वैलेंस साइड्स हो जाती हैं, एक आपकी एम्प्टी साइड रहती है, तो उसे हम नाम देते हैं होल। और इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या नाम देते हैं उसको, पी टाइप सेमी कंडक्टर। जब हमारे सिलिकन यानी जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, उस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स यानी फॉस्फोरस वाले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में कर देते हैं। तो फॉस्फोरस वाले में आपके पास क्या रह जाता है, क्योंकि आउटरमोस्ट वैलेंसी इसकी फाइव होती है, तो उसमें हमारे पास फोर तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं, एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यानी जम करता जाएगा। और आपका क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कल का प्रोसेस था। अब इस पर आ जाते हैं कि अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपके किस पे डिपेंड करेंगी, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है तो उसमें आपके पास क्या आता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके किस बिहाफ पे हम लोग शो करते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे आपने सोलेनोइड्स करा होगा, ठीक है, फिजिक्स में आपके प्रैक्टिकल आएगा, तो इस प्रैक्टिकल में वो क्या कहता है, आपके ना कर्ल्स बने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंडक्शन भी एक प्रोसेस होता है, इंडक्शन नाम सुने, इंडक्शन आजकल तो वो भी आने लगे हैं यूटेंसिल्स, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या है कि आपकी एक बॉडी क्या है उसमें करंट मूव कर रहा है और दूसरी जो बॉडी आप उसके पास लेकर आए हो उसमें बिकॉज ऑफ द इंडक्शन करंट का क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, जब भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा तो जब वो चार्ज बॉडी मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी या स्पिन करेगी तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या नाम देते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे कि हम लोग क्या करते हैं, म्यू के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। अब म्यू के साथ में मैंने एक सिंबल लगाया है बी, बी यानी आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसकी जो वैल्यू है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम नाम देते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये आपका एक तरीके से डायमेंशन मान लो इसको, कि हमने इसको बोर मैग्नेट्रॉन के नाम से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो टू टाइप्स के स्पिन फॉलो करता है, एक तो क्या करता है क्लॉकवाइज यानी यहाँ पे जैसे आपकी क्लॉक मूव करती है, एक आपका करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करते हैं, जब आपकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप इसे अकॉर्डिंग टू शो करते हो ना, होम्स रूल के अकॉर्डिंग ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, की एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर प्लस हाफ में रोटेशन कर रहा है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रोटेशन आप क्या शो करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसके लिए स्पिन जो होगी वो हो जाएगी माइनस की हाफ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में वो क्या कहता है कि ऑन बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहले एक बार इसको रफ में समझ लो कि हमने क्या किया, हमने कोई बॉडी ले ली, ठीक है, सपोज़ मैग्नेट के अलावा, जैसे मैंने प्लास्टिक ले ली, प्लास्टिक को मैंने क्या किया, मैंने दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स के बीच में मैंने इसको प्लेस कर दिया, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। अब क्या होगा, अब नॉर्थ और साउथ पोल से जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स यानी जो वेव्स है जो मूव करती हैं, तो ये वेव्स क्या करेंगी, नॉर्थ से साउथ तक मूव कर रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस अकॉर्डिंग मूव कर रही हैं। तो क्या होगा,
कि अगर आपका ये जो बॉडी है ये इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो इलेक्ट्रॉन क्या करे पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि अनपेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट हो, चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन हो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो। तो अगर पेयर्ड कंडीशन में है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी, यानी दोनों फील्ड्स ने क्या किया एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जब पेयर्ड कंडीशन प्रेजेंट होगी बच्चों, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। और जब ये ज़ीरो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी डायलेट कर जाएगी, यानी इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट आना चाहिए पर पाथ स्ट्रेट नहीं आता, ये क्या करेगा ये तो अपने आप को मूव कर रहा है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। पर जो आपका ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, ये अपने आप को अलाइन इस तरीके से करेगी कि ये इनके मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल क्या करे अपोज कर दे, यानी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानी चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों, बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. ये जो बॉडी है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनकी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। जब वो आपस में कैंसिल करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी लगाओगे तो आपको ना कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने में, कि आपके बॉडी जो आपने रखी है, जो आपने कंपाउंड रखा है, उस कंपाउंड के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी और उस कंपाउंड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। या हम इसको ये बोले कि ये जो बॉडी है ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेती है, इस तरीके से पोजीशन कर लेती है कि इसके अंदर से एक भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पास ऑन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रही है डायलेट हो रही है, उससे दूर जा रही है, तो हमने क्या नाम दिया इसको डाया मैग्नेटिक। डाया यानी डायलेट हो रही है, कौन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो नाम दे दिया हमने डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ आया ये वाला? अब नेक्स्ट आता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरा मैग्नेटिक, पैरा यानी क्या करेगा उसके अंदर से जाएगा, ठीक है। तो पैरा उसके अंदर से यानी मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रॉस करी है, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर नहीं होने चाहिए तभी तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास ऑन होगी। तो जब मैग्नेटिक ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे अपने आप को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या करेंगे अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस कर ही रहे और ये एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो इसका डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा और कंपाउंड क्या करेगा आपका पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड्स आ जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स उसमें क्या हो जाएगा उसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स क्यों क्रिएट हो रहे, बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, या फिर जो भी आपके चार्ज्ड आयन्स होते हैं। चार्ज्ड आयन्स में आपके पास कभी भी ये देख लेना कि उसमें चार्ज्ड आयन्स होने के बाद यानी वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं, जैसे कि आयरन है। आयरन का एग्जांपल लिया, आयरन कितना होता है 26 होता है, ठीक है। आयरन कितना होता है 26 होता है, तो आयरन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास क्या आ जाएगा 3d6 and 4s2, यही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आयरन मैं क्या करूँ, मैं आयरन का कॉन्फिगरेशन लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द डी ऑर्बिटल, तो आयरन के
इसके कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिख रहे हैं, मैं पहले इसका डी ऑर्बिटल बना रही हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं और 4s बनाते हैं। तो 4s और आपके पास 3d कितने हैं, 6 हैं। तो 6 में मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब अगर इसको देखूँ तो आयरन इस कंडीशन में भी मेरे पास 4s2 यहाँ पे ये पेयर्ड है, तो आयरन इस कंडीशन में भी मेरे पास क्या हो रहा है, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, यानी आयरन की क्या हो जाएगी, आयरन आपका कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भी इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के निकलेंगे और ये एक अंदर का निकलेगा, तो इसके पास क्या रह जाएगा बच्चों, 3d5 की कॉन्फिग्रेशन रह जाएगी, यानी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण आयरन क्या करेगा, आयरन विल ऑक्यूपाई अ पैरा मैग्नेटिक कंडीशन। एक कॉपर का एग्जांपल और उठा लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट फ्रेम पे आ रही हूँ। कॉपर आपके पास कितना हो जाता है, 29, ठीक है। यानी आउटरमोस्ट आपके पास कितना है, या तो मैं इसको 3d10 4s1 ले लूँ या फिर 3d9 4s2 भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास कॉपर 3d10 है और 4s1 है, तो इस कंडीशन में कॉपर के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे शो करोगे 3d10, ऐसे ही शो करोगे, ये 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ठीक है, ये 8, 9 एंड 10, और अभी इसके पास कितना है, 4s1, यानी एक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ से देखूँ मैं तो कॉपर मेरे पास क्या है, +1 कंडीशन में कॉपर अगर आ जाए तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी बच्चे, 3d10 आ जाएगी। तो ये 3d10 किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डाया मैग्नेटिक, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पर अगर मैं इसको कॉपर +2 कर दूँ, तो कॉपर +2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये गया, एक इसका अनपेयर्ड ये गया, तो कितने रह जाएंगे, 3d9 रह जाएंगे, ठीक है। तो 3d9 में मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2, ये मेरे पास 3 4, ये 5 6 और ये 7, यहाँ से मेरे पास क्या था, ये 8, ठीक है। और ये मैंने दोनों तरफ मैंने एरो ऐसी बनाई है, ऐसी का मतलब एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला है। तो अब मेरे पास क्या रह गया, क्योंकि ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए कॉपर किसको फॉलो करेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी एंड देन इट विल शो अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पर यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब तक मेरे पास मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूँ, तब तक तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, आफ्टर दैट दे विल नॉट शो एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैं किसको ले रही हूँ, मैं वो सारे एलिमेंट्स लूँगी जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या कहता है, जैसे कि मैंने इसमें लिया, ठीक है, तो इस वाले में यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म का ये वाला देखो, यहाँ पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये क्या करेगा, ये अपने आप को अलाइन करते हैं और अलाइन किस में करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पर अब क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अपने कुछ डोमेन्स बना लेंगे, डोमेन्स यानी अपने ग्रुप्स बना लेंगे, पेयरिंग अभी भी नहीं होगी, ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स जैसे बना लेंगे। और उनमें क्या हो जाएगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई करते हैं तब भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे, तब भी इनका मैग्नेटिक बिहेवियर एज सच बना रहता है, और ये हम परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आयरन का या फिर निकल के, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डोमेन या ग्रुप्स में क्रिएट हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम आ जाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी यानी अपोजिट। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेड कंडीशन में प्रेजेंट हैं,
पर एंटी फेरो का स्ट्रक्चर देखो, एंटी फेरो का स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दो है, पर एक का अलाइनमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव यानी प्लस हाफ है, तो दूसरे का अलाइनमेंट जो है वो क्या है, नेगेटिव हाफ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक में मैंने क्या किया, मैंने ये इस तरीके से कर दिया, जो मैं डोमेन्स का कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड तो है, तो एक डोमेन तो क्या कर रहा है, वो आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट है, पर दूसरा डोमेन क्या कर रहा है, वो आपका इस फॉर्म में यानी जस्ट अपोजिट, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक सपोज इस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डोमेन ये है, तो दूसरा डोमेन जो है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी, इवन दो देर आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं बट देयर अलाइनमेंट इज सच कि ऑल ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाए, दे आर नोन एज एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स इसमें मैंगनीज के सारे ऑक्साइड्स आ जाएंगे, चाहे डाईऑक्साइड हो, चाहे मोनोऑक्साइड हो, चाहे आपका सुपर ऑक्साइड हो। क्लियर है ये वाला बोथ द डिफरेंसेस? यस मैम। अब आ जाते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या कहता है कि हमारे पास ऐसा ही कोई डोमेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा ही मेरे पास डोमेन प्रेजेंट है जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसमें क्या कहता है कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का जो डोमेन है ये कुछ इस तरीके से अरेंज है कि यहाँ पे कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक कैंसिल हो रही है, यानी ओवरऑल ज़ीरो नहीं हो रही। आप इसको ये कह सकते हो कि फेरो और एंटी फेरो के बीच में इनकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो यानी इसमें हम ये कह दें कि सपोज़ इसमें थ्री आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हो सकता है कि इसमें टू आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे रेशो क्या हो गया, 3:2। तो एक्सपेक्टेशन मेरी कितनी थी कि मुझे ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मिलना चाहिए था, पर मिलता कितना है, क्योंकि इनके आपस में कुछ हद तक कैंसिल हो जाएगी, मुझे कितना मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेड है आफ्टर ओवरऑल इफेक्ट के बाद, तो उसके इक्वल मुझे मिल रहा है। यानी मैंने क्या लिखा है, दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म, पर होता नहीं है, उसमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सम कैंसिलेशन ऑफ द डोमेन्स। तो एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, आयरन का सिर्फ एक ऑक्साइड प्रेजेंट है, Fe3O4 वाला, जो कि जनरली रस्ट का फॉर्मूला होता है। आ रही है बच्चों, क्लियर हुए ये तीनों कंसेप्ट? किसको नहीं क्लियर हुए मैम? क्लियर है। क्लियर है बॉयज? लक्ष्य, राघवेंद्र, हार्दिक, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब देखो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैंने उस दिन भी कहा था कि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, पर इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम डाईपोल लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आयंस के मूवमेंट से डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। जैसे हमने क्या किया, हम कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी में आप क्या पढ़ते हो कि भाई आपके पास आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे लगा दिए इन अ सोल्यूशन, और जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है वो क्या करेंगे, दे विल मूव, और मूव करके दे विल सेटल डाउन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, यही करा है हमने। पर यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, जब आयंस मूव करते हैं तो आयंस के साथ में और क्या मूव करेगा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हमने किसी क्रिस्टल के ऊपर मैकेनिकली स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, यानी हमने उसको कोशिश कर ली, प्रेशर लगाने की कोशिश कर ली, ताकि वो क्रिस्टल क्या करे, अपना शेप से डिफॉर्म हो जाए, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी,
क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि जब आप क्रिस्टल को डिफॉर्म करोगे तो उसके आयंस क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे और किसी और पोजीशन पे मूव कर जाएंगे। तो जैसे ही आयंस का मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि मैकेनिकल स्ट्रेस के बिहाव पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है वो आपका कहलाता है पाइजो इलेक्ट्रिक या फिर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आपकी किस में प्रेजेंट होगी, बेरियम के लेड के कंपाउंड्स जैसे कि लेड जर्कोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और क्वार्ट्ज। तो ये आपके कहाँ पे यूज़ में आते हैं, क्योंकि हम हर जगह इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो हमारे हैवी इंस्ट्रूमेंट्स है या जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, पर हम उसमें प्लग नहीं लगा सकते, हम उसमें इलेक्ट्रोड्स नहीं लगा सकते, हम उसमें क्या करें, हम उसमें किसी और तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो वो एग्जाम्पल आता है आपका माइक्रोफोन्स, अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स एंड सोनार डिटेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट हम आ जाते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायर का मतलब होता है हीट, सिंपल एक टर्म याद रखना, पायर का मतलब होता है हीट। यानी हमने क्या किया, जब हमारे कंपाउंड को हीट किया उस वक्त उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ उसे हम नाम देते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, अभी फेरो मैग्नेटिज्म किया था, यानी क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी उसमें परमानेंट डाइपोल बन चुका, ठीक है। तो परमानेंट डाइपोल अब बन चुका है, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पाइजो वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें हमने मैकेनिकली हमने उनको कोशिश करी थी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, तो वहाँ पे क्या कह रहा है, उस परमानेंट पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स दे विल कीप ऑन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। यानी पहले क्या हो रहा था कि आपका लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, वो पहले से ही उसमें करंट तो फ्लो हो ही रहा है, पर अब आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप इसको ये कह सकते हो कि एक आपने क्या किया, इंटरनल सर्किट था वो पाइजो इलेक्ट्रिक बन गया, और जब उसको इंटरनल सर्किट को आपने अपने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नली आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, करंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो यहाँ पे वही तरीके का, ये एक्सटर्नल सर्किट में आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजेशन विल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेरियम टाइटेनेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो कि रिशल सॉल्ट हम के नाम से जानते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स में हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये आपके एग्जांपल्स आएंगे फेरो इलेक्ट्रिसिटी के। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी फेरो में क्या कह रहे हैं, डाइपोल्स तो प्रोड्यूस हो गए पर अब ये क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन इस तरफ तरीके से कर लेंगे कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक करंट है या ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आ जाए, सो देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे क्रिस्टल्स आपके क्या कहलाएंगे, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका लेड सर्कुलर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी है, अदर देन दिस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें वो आपको दे देता है कि भाई फाइंड आउट द एलिमेंट विच इज़ एंटी फेरो इलेक्ट्रिक या फाइंड आउट द एलिमेंट विच इज़ फेरो इलेक्ट्रिक। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स हम किसे बोलते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पर हमने क्या देखा कि कंडक्टर्स में आप एक फॉर्मूला करते हो, एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपकी रेजिस्टेंस है, अगर हम लेंथ कंडक्टर की बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी आपका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ बढ़ने के साथ में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हमने एरिया बड़ा कर दिया तो एरिया के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पर हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे अब एक चीज़ और आती है, यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है जो कि हम फॉर्मूला में नहीं लगाते, वो हम करते हैं टेम्परेचर।
अब आपने कभी देखा है कि टेम्परेचर पे जब हम क्या करें, सपोज हम रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन कर दें, ठीक है, केल्विन की बात कर रही हूँ मैं, 0 डिग्री केल्विन कर दें, तो क्या तब भी आपके आपके जो वायर्स हैं ये कंडक्शन करेंगे? अच्छा चलो एक एग्जांपल और देती हूँ, जो आपके बाहर के जो पोल्स होते हैं, ठीक है, हमारी सबकी कॉलोनीज में पोल्स होते हैं, और पोल्स पे जो वायर्स होते हैं वो वायर बहुत ढीले होते हैं, ठीक है, बहुत ढीले होने का क्या कारण है? क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है उस वक्त क्या हो जाएगा, इस बहुत डाउन टेम्परेचर में जो वायर्स हैं ये क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनकी लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, इनके एरिया पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अब आपकी जो रेजिस्टेंस है, अगर हम क्या करें, हम हमारे वायर को हीट करें, ठीक है, तो वायर को हीट करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्योंकि जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, फटाफट फटाफट वो आयंस क्या करेंगे, वो अपने मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आपने क्या किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होएगी, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी उसमें क्या हो जाएगा, आपस में आयंस का कोलिजन इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर। ऐसे ही जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये आयंस जो है ये धीरे धीरे करके मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, जो आपस में इनके कोलिशन से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बात समझ में आई है जो मैं कहना चाह रही हूँ? इसको ऐसे समझो, ये जैसे क्लास है, जैसे ही आपकी बेल बजती है, ठीक है, बेल को आप टेम्परेचर मान लो कि बिल्कुल आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बेल बजी आपकी क्लास ओवर हुई और सारी की सारी क्लास एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब एक साथ तो नहीं निकल पाएंगे ना, सबकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, वो जो बेल थी वो हमारा टेम्परेचर ट्रिगर है कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे जो आपकी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो वायर है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ वेरी गुड कंडक्टर एट जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। तो अब ये डिस्कवरी किसने करी थी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमलिंग ओन्स, और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको कंडक्टिविटी को हम सुपर पावर की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एक वायर की कंडक्टिविटी को सुपर पावर की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको नाम दिया सुपर कंडक्टर्स। अब इसने मरकरी का एग्जांपल दिया है, कैमलिंग ओन्स ने मरकरी पे डिस्कवरी करी थी कि 4 केल्विन यानी आपका बियॉन्ड 0 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड, तो 4 केल्विन पे आपका जो मरकरी है वो क्या करेगा, इट विल बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। तो वो सब्सटेंस, वो टेम्परेचर जहाँ पे अ कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर बिहेव्स एज अ सुपर कंडक्टर, उसे क्या देते हैं नाम हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जनरली मेटल्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर 2 केल्विन और 5 केल्विन पे होता है, ठीक है, पर इतना बिलो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, हम तो 2 और 5 केल्विन पे तो हम नहीं रह सकते ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे डिस्कवर करे जा रहे हैं जिनमें की सुपर कंडक्टिविटी आपके रूम टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करी जा रही है। तो इसमें आपके अलॉयज हैं, जैसे कि नायोबियम के अलॉयज हैं, एक आपका 1, 2, 3 टाइप सुपर कंडक्टर भी आता है जो कि आपका लेड और सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी आपका करीबन 23 केल्विन 70 केल्विन के आसपास सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब आपके इसमें सुपर कंडक्टिविटी में, इसने यहाँ तक तो ये आपका सुपर कंडक्टिविटी है, इट वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन फॉर सुपर कंडक्टिविटी। अब जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों, वो इसने दिया है कुछ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, तो वो एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या करा था, हमने स्ट्रक्चर्स करे थे कौन कौन से, सिंपल क्यूब लैटिस करा था, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब किया था हमने, क्या किया, फेस सेंटर्ड क्यूब भी किया, और हमने और क्या किया था, वी स्टडीड अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड्स।
अब क्या करें, अब उन सब चीज़ों को जो जो भी हमने स्टडी करी है, वी विल जस्ट अप्लाई फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला एग्जांपल दे रहा है सोडियम क्लोराइड का। अभी आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। सोडियम क्लोराइड में वो क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज़ कम्पोज ऑफ सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोडियम आयन्स और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स दे बोथ आर इक्वल, क्योंकि 1:1 रेशियो ही तो है। हम क्या कर रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमने कंपाउंड क्या ले लिया, ए बी टाइप का कंपाउंड का नाम दे दिया, क्योंकि 1:1 का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या कह रहा है कि सोडियम का रेडियस है 95 पिकोमीटर, क्लोराइड का रेडियस है 181 पिकोमीटर, और इसने हमें रेशियो जो दी है वो दी है 0.524। तो अगर आपको रेडियस रेशियो याद हो तो हम क्या कहते हैं, 0.524 किसके बीच में आएगी, 0.414 से लेके 0.734 तक, और यहाँ तक हमारा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बोल ले और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोल ले। ऑक्टाहेड्रल बनेगा कंपाउंड तभी तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बनेगा। ठीक है, yes, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6। ऑक्टाहेड्रल में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना किया था, 6 ही तो किया था। तो अब एक बार यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर होता है। हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि अब जो हमने स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा क्या किया, हमने सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, टेबल सॉल्ट ही तो है। तो सोडियम क्लोराइड का हमने एक क्रिस्टल उठा लिया एंड वी स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में जब हमने देखा तो इसमें हमने क्या देखा कि जो क्लोराइड आयन्स है दे आर ऑक्यूपाइंग, कौन कौन सी साइड्स ऑक्यूपाई करें, एक तो इसके 8 कॉर्नर, ठीक है, 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और दूसरा क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो इसके 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, मेरे पास क्या हो गया, क्लोराइड आयन्स के लिए, क्लोराइड आयन्स के लिए मैंने क्या किया, 8 कॉर्नर्स थे तो हर क्लोराइड का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और 6 फेसेस थे तो हर क्लोराइड का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। इसमें मेरे पास आंसर कितना आया, 4, यही आएगा। ऐसे ही सोडियम के लिए ले लेती हूँ मैं, तो सोडियम के साथ में ये क्या कह रहा है कि जब सोडियम आयन को मैं देखूँगी तो सोडियम इज़ प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल होल्स, तो सोडियम, अब क्योंकि क्लोराइड बड़ा था, ठीक है, तो क्लोराइड ने क्या कर लिया, पहले अपने अरेंजमेंट कर लिया, पहले एनायन ने अपने आप को अरेंज कर लिया, उसके बाद में क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है फिर सोडियम क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा। अरेंज करने पे रेडियस रेशियो हमने देखी कि वे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रही हैं, तो सोडियम अपने आप को क्या करेगा बच्चों, इट विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं कि अब हमारे पास 6 ऑक्टाहेड्रल होल्स थे अराउंड ईच क्लोराइड आयन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाल लिया था कि 6 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि क्लोराइड आयन के पास 6 ऑक्टाहेड्रल होल है तो ईच क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम प्लस आयन्स, कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक ही है ना, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर तो यही कह रहा है, क्योंकि इसके पास, इसने पहले क्या कह दिया कि क्लोराइड ने तो सारे कॉर्नर और फेस ऑक्यूपाई कर लिया, अब जो जगह बची वो हमने रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कौन एंटर हुआ, सोडियम एंटर हो गया, तो क्योंकि क्लोराइड के पास 6 ऑक्टाहेड्रल होल्स खाली थे आसपास के कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, तो 6 होल्स सोडियम ने ऑक्यूपाई कर लिए, और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एंड विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन कितना आ जाएगा, 6:6, यानी हर क्लोरीन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है एंड हर सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6:6। ये समझ आया, yes, ma'am। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम आयन्स निकाल लेते हैं। अब सोडियम आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सोडियम आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा कि भाई यहाँ पे क्लोराइड में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे पास क्लोराइड के 4 आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सोडियम के कितने आएंगे, सोडियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जब हमने फिर से स्ट्रक्चर को देखा तो सोडियम वॉज प्रेजेंट एट दी एजेस, यानी एजेस कौन सी है, क्यूब की एजेस, ये वाली,
ठीक है, जो हम डायमेंशन ले रहे थे ए और बी और सी, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है, एंड वन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास एजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। कितनी एजेस है, कितने एजेस है, कितनी साइड्स होंगी, टोटल मिला के 12 एजेस होंगी, प्लस जो एक सेंटर में इसके प्रेजेंट है वो भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो टोटल इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4। तो एटम्स ऑफ सोडियम कितने प्रेजेंट है, 4। एटम्स ऑफ क्लोराइड कितने प्रेजेंट है, 4। पर इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहा है, 6:6। यहाँ तक समझ आया है बच्चों? यस मैम। वंशिका कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बॉयज राघवेंद्र हार्दिक लक्ष्य कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। बच्चों ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि पहले के सिलेबस में डिलीट हुए थे, अभी हमारे पास कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, ठीक है, अभी हमें ऐसे कंप्लीट पोर्शन ही करना है। तो ये आपका जो ए बी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ए बी टाइप का स्ट्रक्चर आपके किस किस में और पाया जाता है, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, यूटेरियम आयोडाइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिल्वर के एग्जांपल स्पेशली याद कर लेना, क्योंकि सिल्वर में वो कंफ्यूज करता है। सिल्वर में ये क्लोराइड ले रहा है, ब्रोमाइड ले रहा है, आयोडाइड ले रहा है, बट इट इज़ नॉट टेकिंग क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, और किसमें प्रेजेंट है, फेरस ऑक्साइड में भी प्रेजेंट है, पर फेरस ऑक्साइड हमारा कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा था, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आयरन जो था +2 स्टेट से +3 में भी कन्वर्ट हो रहा था, तो वो भी एक इसमें कंसेप्ट आएगा, पर स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा इसका, ए बी टाइप ऑफ ऑक्साइड ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड का। जिंक ब्लेंड में हमने सेकेंड नेम क्या दिया है इसमें, ये इसका स्फेलेराइड। अब जिंक सल्फाइड इसका जिंक ब्लेंड इसका कॉमन नेम है, फॉर्मूला क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में सबसे पहले जब हमने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि रेडियस रेशियो जो आ रही है ऑफ जिंक +2 एंड सल्फाइड -2 इज इक्वल टू 0.40। तो ये रेडियस रेशियो किस में जाएगी, किस में जाएगी, टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल तो 414 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये रेडियस रेशियो कहाँ जाएगी, टेट्राहेड्रल वाले में जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास अब क्या अरेंजमेंट होगा देखते हैं। जब हमने इसको और ऑब्जर्व किया तो अब इसने क्या कहा कि अब यहाँ पे जिंक और सल्फाइड आयन्स हैं, तो जिंक और सल्फाइड में सबसे पहले हम क्या करें, एक बार देख लेते हैं कि सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड का साइज बड़ा है तो सल्फाइड पहले ऑक्यूपाई करेगा जगह, पोजीशन पहले कौन लेगा, सल्फाइड लेगा, उसमें जो खाली जगह बचेंगी उसमें आपका बचा हुआ कैटायन आएगा जिसका साइज छोटा है। ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि सल्फाइड जो है, सल्फाइड की रिप्रेजेंटेशन मैंने डार्क डॉट से कर रखी है, सल्फाइड इज प्रेजेंट एट ऑल दी 8 कॉर्नर्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, पहला कॉन्ट्रीब्यूशन 8 × 1/8 का हो गया। नेक्स्ट ले लेती हूँ, पहला कॉन्ट्रीब्यूशन सल्फाइड के लिए कितना हो गया, S2- के लिए 8 × 1/8, ठीक है। और नेक्स्ट सल्फाइड कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट एट द 6 फेसेस। तो फेसेस कितने हैं, 6 प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो टोटल कितना हो गया इसका, मेरे पास सल्फाइड के 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं जिंक +2। अब जिंक +2 का जब इसने स्ट्रक्चर देखा तो इसने ये कहा, क्योंकि सल्फाइड ने क्या कर दिया, टेट्राहेड्रल होल्स बना दिए। अब टेट्राहेड्रल होल्स क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो रहा है कि यहाँ पे जो सारे के सारे टेट्राहेड्रल होल्स हैं वो नहीं ऑक्यूपाई होंगे। हमने क्या करा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यही करा था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जिंक +2 जो ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज़ ऑक्यूपाइंग ओनली हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय जिंक +2। तो अब जो फॉर्मूला जिंक सल्फाइड का बनेगा वो तो हम बना ही रहे हैं, फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके अगर वैलेंसीज देखें तो वैलेंसी +2 और -2 है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास जिंक सल्फाइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड ने पहले स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई करी रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग से जो टेट्राहेड्रल होल्स जनरेट हुए, और फॉर्मूला क्योंकि इसमें 1:1 रेशियो में आ रहे, तो जिंक क्या करेगा, इट विल ऑक्यूपाई ओनली हाफ द टेट्राहेड्रल होल्स।
यानी जितने सल्फर ने जगह ऑक्यूपाई करी थी उसने खाली जगह के भी आधी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं जिंक के लिए। तो जिंक के आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? जिंक के आयंस आर प्रेजेंट 4 एटम्स हैं, वो भी सिर्फ विद इन द बॉडी प्रेजेंट है। देखिए स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर खोल रही हूँ वापस से। यहाँ पे देखो, और देखो अगर आपने क्या किया, हमने ये देखा कि जैसे यहाँ पे इसने खाली जगह जितनी भी छोड़ी, जितने भी वर्ड्स छोड़े वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स छोड़े। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स छोड़ने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने जो जगह ऑक्यूपाई करी, जिंक इतना छोटा नहीं था कि वो सारी ऑक्यूपाई कर लेता। जिंक के साइज़ के अकॉर्डिंग उसने कितनी जगह अकोमोडेट कर पाया, ओनली हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो जिंक आपके क्योंकि एंटर कर चुका है, विद इन द बॉडी एंटर कर चुका है, तो जिंक में विद इन द बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। और कितने एटम्स हैं जिंक के, केवल 4 ही तो एटम्स हैं जो कि जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4। तो जिंक का भी 4 है और सल्फाइड के भी 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। अब क्योंकि हम पहले ही इसको करके आ रहे हैं रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4:4। समझ आया बच्चों? यस मैम। एक बार आप इसको दोबारा स्टडी करना और एक बार डायग्राम बना के स्टडी करना। जब आप डायग्राम अपने हाथ से ड्रॉ करोगे देन वी विल गेट टू नो कि भाई आपको कहाँ पे इसको अरेंज करना है, उस वक्त आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आया, 4:4 में कैसे लेकर आई हो भाई? मुझे पता है कि ये टेट्राहेड्रल होल ही बना रहा है, तो टेट्राहेड्रल होल में सल्फर तो क्या करेगा, सल्फर को आसपास कितने चाहिए, कम से कम 4 जिंक तो चाहिए ही होंगे। ये देख लो, ये सल्फर है, ये सल्फर का टेट्राहेड्रल उसने जगह बनाई है, तो टेट्राहेड्रल में 4 की ऑक्यूपेंसी होती है। जैसे क्लोराइड में ऑक्टाहेड्रल होल बना रहा था तो उसने 6 की ऑक्यूपेंसी करी थी, तो सल्फर ने 4 की ऑक्यूपेंसी में, यानी 4 सल्फाइड, 4 जिंक तो इसको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ईच सल्फर इज सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस। जिंक का जब मैंने देखा कि जिंक के पास केवल 4 ही एटम्स आ रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, रेशियो इनकी जो इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वो फॉर्मूला जिंक सल्फाइड आ रहा है, तो जिंक आपका 1:1 कॉम्बिनेशन में ही तो आ रहा है। तो अगर सल्फाइड क्या कर रहा है, 4 जिंक को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जिंक भी क्या करेगा, 4 सल्फर को ही कोऑर्डिनेट कर पाएगा। क्लियर है यहाँ से? यानी स्ट्रक्चर में एक बार फिर देख लो, ये आपका सल्फर है, ये सल्फाइड क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4, जिसमें से एक तो ये खुद का ले रहा है, द रेस्ट 2 ये पास वाले एटम का भी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका सल्फाइड, ये जो जिंक है, ये जिंक कितने से सराउंड कर रहा है, 1। ठीक है, एक का इसके आसपास होगा 2, फिर एक का इसके इस वाले को देखो, ये वाला सेंटर पॉइंट ले लूँ, 1, 2, 3 एंड 4, तो मैक्सिमम कितने से कर पाएगा, ये 4 से ही तो ये भी कोऑर्डिनेट कर पाएगा, 4 से ही सल्फाइड भी कोऑर्डिनेट कर पाएगा। तो ए बी वाले में क्या हो जाएगा, जितना एक का कोऑर्डिनेशन आएगा उतना ही दूसरे का भी कोऑर्डिनेशन आएगा, तो वो आपकी वैलेंसी जब दोनों की बराबर है तो आपका एक का निकालो कोऑर्डिनेशन, दूसरे का भी आपका उतना ही आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। एक ही आपका आपका आता है वुडसाइड का स्ट्रक्चर। वुडसाइड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड का ही फॉर्म है, पर जिंक सल्फाइड थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, कि इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर्म, जिसमें कि जिंक सल्फाइड जो है वो क्या करेगा, सल्फाइड आयंस जो हैं ये HCP अरेंजमेंट करेंगे, और जिंक आयंस क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, जिंक ने क्या किया, जिंक इज अगेन ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और कितने, हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी इनका क्या है, 4:4 है, पर अब जो जिंक के आयंस हैं, जिंक आयंस यहाँ पे कितने आ रहे हैं, जिंक आयंस आर प्रेजेंट। एक तो क्या हो रहा है, HCP टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, अब ये वो वाला नहीं बन रहा CCP, है ना, फेस सेंटर्ड वाला नहीं बन रहा,
हेक्सागोनल वाला बन रहा है। तो हेक्सागोनल पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो जिंक आयन्स हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल और विद इन द एजेस। तो विद इन द सेल यानी सेल के अंदर कितने हैं, सेल के अंदर 4 हैं और एजेस पे कितने हैं, यहाँ पे 6 प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल, अब यहाँ पे हेक्सागोनल की जो एज है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। ठीक है, 1/3 क्यों लिखा है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट जब आप लगाओगे, ठीक है, हेक्सागोनल हमारा क्यूब नहीं है जिसकी चार साइड्स, जिसकी हम सामने के 2D में हम 4 साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल को जब आप अरेंज करोगे बेटे तो उसका जो एजेस पे जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन 6 आएगा, 300 इसका कंट्रीब्यूशन 1/3 आएगा। 1/ अभी हम क्या कर रहे थे, एज का कंट्रीब्यूशन कितना ले रहे थे, yes, अभी हम एज का ले रहे थे कंट्रीब्यूशन 1/2 किस में ले रहे थे, क्यूबिक में ले रहे थे। ठीक है, अभी हम क्या ले रहे हैं, हम हेक्सागोनल अरेंजमेंट ले रहे हैं, हेक्सागोनल में क्यूब से डिफरेंट शेप है। तो अब जो आपका एज पर आएगा ना बेटा, तो ये एज पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक आपका 1/3 करेगा, एक एज यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो जाएगी, एक एज अगर कोई हेक्सागन लगाओगे तो यहाँ कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एज कितनों के साथ में, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन के साथ में तो इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एक बार रिज्यूम करके देखो, अगर कोई हेक्सागन शेप है आप उसको लगाओगे, इस एक एटम को उठा लो, तो एक हेक्सागन आप यहाँ लगा सकते हो, एक हेक्सागन यहाँ लगा सकते हो, इसके बाद तो नहीं लगा पाओगे। देखो मैं दोबारा बना रही हूँ, एक बार ध्यान से दोबारा समझना, ये मैंने हेक्सागन बनाया। ठीक है, अब इस हेक्सागन का मैं एक ये पॉइंट उठा लूँ जहाँ पे मेरा एटम प्रेजेंट है एट दी एज। ठीक है, और जब ये एट दी एज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कह रही हूँ कि ये सपोज मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगा सकती हूँ, एक मैं हेक्सागन यहाँ बना दूँ और एक हेक्सागन यहाँ बना दूँ, इतना ही तो बना पाऊँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकती ना मैं इसको। तो ये कितने के साथ में, यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह कंट्रीब्यूशन हो गया ना इसका। देखो कहीं भी एक कोई भी एज उठा लो, जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना, ये वाला उठा लो जो डार्क वाला है, इसके साथ में आप कहाँ कहाँ लगा पाओगे, एक यहाँ ही लगा पाओगे हेक्सागन। ठीक है, एक इसके उधर वाला जो फेस है उधर लगा पाओगे हेक्सागन, बस ये ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें और तो कहीं इसको नहीं बता सकते कि किसी और के साथ की शेयरिंग कर रहा है। yes, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/3 टाइम्स आएगा, यानी 3 के साथ में ये शेयर कर सकता है। तो 6 वाला जो है, 6 एजेस हैं, तो 6 एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/3 है, 4 अंडर प्रेजेंट थे, तो टोटल कितना आ गया, 6। अब नंबर ऑफ सल्फाइड को देख रही हूँ मैं, अब नंबर ऑफ सल्फाइड पे आते हैं। सल्फाइड हमारा क्या था, ब्लैंक वाला था, ठीक है, एम्प्टी वाला था। तो सल्फाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हेक्सागन का जब हमने क्रिस्टल बनाया था हमने यही किया था ना कि एक ऊपर भी लगाया था और एक नीचे भी लगाया था, ABC टाइप और ABA वाला टाइप, दो तरीके के करे थे। तो हेक्सागन में कोई सा भी अगर आप उठा लोगे कॉर्नर वाला, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 6 ऊपर कॉर्नर्स हैं, 6 नीचे कॉर्नर्स हैं, टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए, देयर विल बी 12 कॉर्नर्स। ठीक है, और फेसेस पे जो प्रेजेंट है, और फेसेस पे हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 2 फेसेस, यहाँ पे एक फेस ऊपर है और एक फेस नीचे। तो अगर आप जैसे एक डिब्बा, कोई भी एक डिब्बा उठा लो घर में, कोई भी एक, जैसे वो होता है ना आपका राउंड, कोई भी बॉटल उठा लो चाहे, ठीक है, तो अगर आप बॉटल का ये देखो कि उसका ऊपर का जो सर्किल है वो आप इसका हेक्सागन फेस जैसा मान लो, नीचे का भी जो बेस है वो भी हेक्सागन फेस जैसा मान लो, तो अब आप उस फेस के ऊपर कितना फेस लगा पाओगे, कितनी और बॉटल लगा पाओगे उस ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर, कैप के ऊपर कितना और लगा पाओगे, कितनी लगा पाओगे, कितनी बॉटल आ सकती है उस केवल कैप के ऊपर, एक आएगी, 2 आएगी, कितनी बॉटल आ सकती है मैम, 2 मैम, 2 देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, मैंने ये बॉटल ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये इसका मैं ये कह रही हूँ कि ये ऊपर का फेस है,
और ये नीचे का फेस है। अब इस फेस के ऊपर कितनी बॉटल आप लगा सकते हो? एक आ पाएगी भाई? अगर आप दूसरी इसी साइज की बॉटल लोगे तो एक ही तो बॉटल आ पाएगी। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, मैं आधी इधर खिसका दे, आधी इधर खिसका दे, नहीं करेंगे ना। ऐसे ही एक ही बॉटल इसके नीचे आ पाएगी। Yes, समझ आ रही है? कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझो। आप अभी घर के देखना, आपका कोई भी घर में कोई भी जैसे एक खाली बॉटल पड़ी हो, उस बॉटल के ऊपर एक और बॉटल लगा के देखना। तो अब ये जो ऊपर का जो ये फेस है, ठीक है, ये जो फेस है ये सिर्फ एक ही फेस को तो, और इसको ऊपर के फेस को ही तो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो ये खुद हो गया और एक इसके ऊपर वाला हो गया। तो अगर तो दो फेस होते हैं, हाँ, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होता तो एक में यहाँ लगा देती और एक में यहाँ लगा देती, इधर का कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा। यस मैम। अब समझ आया जो समझाने चाह रही हूँ? इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है, जो बॉटल का ढक्कन है, जो उसका फेस है, कौन सा अपर फेस और लोअर फेस, और जो उसकी साइड की जो एजेस है जहाँ पे जिंक प्रेजेंट था। जिंक कहाँ प्रेजेंट था? जिंक हमारा यहाँ प्रेजेंट था, जिंक हमारा यहाँ प्रेजेंट था, जिंक ऊपर के फेस पे नहीं प्रेजेंट था। जिंक कहाँ प्रेजेंट था? जिंक आपका इधर इधर प्रेजेंट था। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1/3 था, पर क्योंकि ये जो आपका सल्फाइड है ये इस वुडसाइड स्ट्रक्चर में आपके फेस पे प्रेजेंट है, हेक्सागोनल फेस पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। तो कितने कॉर्नर हो गए? कॉर्नर पे ये था 12, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 था। फेस पे कितने थे? दो फेसेस थे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/2। और अगर इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा ध्यान से देखें तो सल्फर 1, 2 और 3 इस वुडसाइड स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3 × 1। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 6 सल्फाइड के आ गए, 6 जिंक के आ गए। यानी अब हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं वहाँ से निकाल के लाई हूँ, रेडियस रेशियो है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4:4 रहेगा, पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यूनिट सेल में? ये जिंक के हमारे पास 6 आए थे और सल्फाइड के भी हमारे पास 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि अगर कोई यूनिट सेल बनाना है तो मुझे कम से कम 6 जिंक चाहिए और 6 सल्फाइड चाहिए होंगे, जब जाके मेरा इस वुडसाइड का बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, छोटा सा है ये, फिर आपका आज का ये फिनिश हो जाएगा यूनिट पूरी। एक आता है सीजन क्लोराइड का। सीजन क्लोराइड वाले स्ट्रक्चर में भी मैं देखूँ, सीजन क्लोराइड के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले तो सीजन और क्लोराइड में क्लोराइड आयंस थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो बना रहा है वो बॉडी सेंटर्ड बना रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्लोराइड आयंस क्या करेंगे? क्लोराइड आयंस विल ऑक्यूपाई ऑल दी कॉर्नर्स, ठीक है। ये सबसे पहले तो क्लोराइड को यहाँ पर भर दो, सारे क्लोराइड आगे कॉर्नर पे। अब क्योंकि ये तो क्यूबिक सेल ही बना रहा है, तो क्लोराइड के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 1/8 × 8 यानी 1, ठीक है, यही आएगा। और बॉडी सेंटर्ड है कौन? अंदर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है कैटायन, क्योंकि कैटायन के लिए इसने जगह छोड़ रखी है। तो पहला स्ट्रक्चर जो बनाता है वो कौन बनाता है? अनायन बनाता है, कैटायन बाद में एंटर होता है, ठीक है। तो कैटायन को कहाँ जगह मिली? कैटायन को सिर्फ उसके अंदर जगह मिली, तो वो बॉडी के अंदर इसमें एंटर हो गया। कैटायन कौन सा है? सीजियम प्लस। और अनायन कौन सा है? क्लोराइड माइनस। तो क्योंकि सीजियम प्लस का एक ही एटम है विद इन द बॉडी है, तो बीसीसी वाले स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अब क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कॉर्नर से प्रेजेंट है 2/1, पर क्योंकि यहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर है तो जो रेडियस रेशियो आएगी ना बच्चों, वो आपकी कितनी आ रही है? 0.732 और 1 के बीच में। तो उस वक्त हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 8 आता है, ठीक है, रेडियस रेशियो के टेबल में देखना। तो और इसका यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? 1:1। तो यानी सीजियम को अगर 8 क्लोराइड चाहिए तो क्लोराइड क्यों पीछे रहेगा? क्लोराइड को भी 8 सीजियम आयंस चाहिए होंगे टू मेंटेन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टाइप ये वही है ए बी टाइप का, बस यहाँ पे क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया है हमारा डिपेंडिंग ऑन द रेडियस रेशियो।
अब आपका नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है Ab2 टाइप का। Ab2 टाइप में मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले रही हूँ कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब Ab2 टाइप में आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ से कैसे पता पड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। कैल्शियम फ्लोराइड में आपकी जो रेडियस रेशियो है वो अब जो भी अब नेक्स्ट करेंगे वो आ रही है आपकी 0.72 से 1 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आएगा 8 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर क्या ये दोनों के लिए आएगा, तो ये एक बार देख लेते हैं। टाइप क्या है हमारा Ab2, यही टाइप है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे क्या करना है, कैल्शियम मेरे पास 1 के रेशियो में है जबकि फ्लोराइड मेरे पास 2 के रेशियो में है। तो अगर मैं कैल्शियम को फ्लोराइड से सराइंड कराऊँ तो मेरे पास 1 के रेशियो के अकॉर्डिंग कैल्शियम का तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, पर क्योंकि एक कैल्शियम 2 फ्लोराइड से सराउंड हो रहा है तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ तभी तो जाके मेरे पास 8:8 का कोऑर्डिनेशन आएगा। यस मैम, ये वाला कंसेप्ट समझ आया बच्चों? यस मैम। दोबारा से सुन लो क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि कैल्शियम मेरे पास 1 ही है, फ्लोराइड मेरे पास 2 है, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशियो 8 आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो 8 कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि कैल्शियम तो मेरे पास सिंगल चार्ज है तो कैल्शियम में मेरे पास क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शो कर देगा। पर जो आपका फ्लोराइड है, एक कैल्शियम एट अ टाइम 2 फ्लोराइड को सराउंड कर रहा है, तो फ्लोराइड क्या दोनों कैल्शियम को एक साथ सराउंड कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये क्या कहता है कि फ्लोराइड की, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 2 आ रही है, तो इसका मैं क्या करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर जब मैं 4 लिखूँगी तभी तो जाके मुझे 2 × 4 = 8 मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8:4। अब एक टाइप और आ जाता है, कौन सा आ जाता है, A2B टाइप। तो अब A2B टाइप में एग्जांपल कोई सा भी ले लो, लिथियम ऑक्साइड का ही ले लेते हैं। चाहे मैं वही फिर से कह रही हूँ, 0.732 से 1 के बीच है मुझे रेडियस रेशियो मिल रहा है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा होगा 8। तो अब 8 किसके पास जाएगा, लिथियम के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास जाएगा? एट किसके पास जाएगा, क्या मैं इसको 8:4 लिखूं या मैं इसको 4:8 लिखूं? नोट्स में मत देखना, यहाँ देख लो सीधा, क्या लिखूं मैं इसको, रेशो क्या बन रही है, 2:1। यस मैम, तो इस हिसाब से 8:4 लिखेंगे, 4:8 लिखेंगे। सबको समझ आया ये वाला बच्चों? सबको समझ आया है भाई? मुझे हाँ ना नहीं आती है, अपने माइक ऑन कर लो क्योंकि यही इसका लास्ट टॉपिक है और आज आपका ये यूनिट फिनिश हो चुकी है। नाउ आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो वो आपको सॉल्व करके, या तो मैं आपको शाम तक दूंगी तो वो आपको सॉल्व करके यू विल हैव टू सेंड बैक टू मी। स्टॉप शेयरिंग कर दो। यस मैम। एक बार आप लोग मुझे फटाफट से भाई एकदम से क्विट मत किया करो, मुझे एक बार बात तो करने दो तो।